नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेकिंग न्यूज इंडिया में। पाकिस्तान की जनता की मुश्किल कम होने का नाम नहीं ले रही। देश जहां आर्थिक रूप से तंगहाली से गुजर रहा है, वहीं महंगाई ने जनता का जीना मुहाल कर रखा। अब पेट्रोल कीमत में 15 रुपए और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 5 रुपए प्रति लीटर की बढ़त करने की तैयारी की जा रही। पाकिस्तान के ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने मई माह में पेट्रोल की कीमत 15 रुपए और हाई स्पीड डीजल की कीमत 5 रुपए प्रति लीटर बढ़ाने की सिफारिश की है। इससे जनता की बदहाली और बढ़ेगी, क्योंकि वहां पहले से ही हाई स्पीड डीजल 117 रुपए लीटर तक बिक रहा है, यानी बढ़त के बाद इसके दाम 122 रुपए लीटर तक पहुंच सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों की वजह से पाकिस्तान के रेगुलेटर ने सभी पेट्रोलियम उत्पादों में 15% की बढ़त की सिफारिश की है। रेगुलेटर ने केरोसिन ऑयल और लाइट डीजल ऑयल के लिए भी क्रमशः 8 रुपए प्रति लीटर और 7 रुपए प्रति लीटर की बढ़त करने की सिफारिश की है। हालांकि पाकिस्तान अखबार डॉन के मुताबिक सरकार जनता को राहत देने के लिए टैक्स घटाने जैसे कई उपायों पर विचार भी कर रही है। रमजान के पहले कीमतें बढ़ाने से सरकार की काफी आलोचना भी हो सकती है। पिछले महीने ही सरकार ने सभी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी की, इससे वहां की जनता पहले ही काफी परेशान है। अगर अब ये सिफारिश मानी गई तो मई के महीने में पेट्रोल की कीमत मौजूदा 99 रुपए से बढ़कर 113 रुपए हो जाएगी और डीजल की कीमत 117 रुपए से बढ़कर 122 रुपए प्रति लीटर हो जाएगी। इसी तरह केरोसिन तेल के दाम प्रति लीटर 96 रुपए तक पहुँच जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान से कच्चे तेल की खरीद पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बढ़ती जा रही है। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $71 प्रति बैरल के करीब पहुंच गई है। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 2017 से लगातार बढ़ती जा रही है। अब और कीमत बढ़ने से पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ती चली जाएंगी और पाई पाई को मोहताज पाकिस्तान पैदल चलने पर मजबूर हो जाएगा। इसी तरह की न्यूज अपडेट्स में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।